लड़की होती है, लड़की को इतना, मुझे, मैं तो आपकी माँ के बराबर हूँ ना, आपने मेरे साथ इतना गंदा कमेंट करा। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो गाइज आप भी शॉक हो गए होंगे कि एकदम से रौनक घर पे कैसे आ गया। यस गाइज हम नोएडा आ चुके हैं और ओवरऑल ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत इंजॉय किया हमने और हमारे राय फैमिली के काफ़ी मेंबर मिले, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से भी मिलके। एंड गाइज ये कि आने वाले टाइम पे ऐसे एक्सप्लोर भी करते रहेंगे, साथ ही साथ आप लोगों को एक्सप्लोर कराएंगे। आपने सडनली सरप्राइज दे दिया, मैं तो मेरे को पता ही नहीं था आने वाली है, मेरे को नहीं पता था मम्मी ने ही आप आने वाले हो। मैं तो अभी गेट खुला तो श्यामा खड़ी थी गेट के बाहर, मैंने बोला बे सरप्राइज है, नाइस। ऊपर राजस्थानी ट्रेडिशन का, नीचे नेपाली ट्रेडिशन, एवरी कल्चर हैज समथिंग स्पेशल। मारो के बेटा मैं ना चीनो, यहां पे चाय तैयार हो रही है। रोहन ले भेटायो के नेपाली ड्रेस पहन के, झाड़ पानी लाखो सर, मस्त मजा आयो छावा यो बात। जाड़ क्या होता दिखा दे जाड़। अरे गाइस कम रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, ये देखो गाइस नए नए मौसम में मिलते हैं। छावा भी अभी आई है, जस्ट देखो कितना बड़ा ये लेके आई है। छावा का बैग का नाम XL, XL साइज बहुत बड़ा लेके आया छावा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा छावा साइज है, 4 साल का बच्चा आ जाएगा इसके अंदर। सेम ऐसे ही होता है फ्रूट जो जंगलों में उगता है, जानवर खाते हैं ना नशा हो जाता है, तुमने वीडियो देखी होगी इंटरनेट पे, बहुत लोगों ने देखी है, ऐसी फ्रूट होता है खाते और उन्हें नशा हो जाता बहुत तगड़ा, लेकिन ऐसा फ्रूट है नहीं गाइस, ये हमारा अंदर इसके अंदर वो है, ये सुपारी है, सुपारी है देखो। ओ भाई अरे वाह, यहाँ से तो लग रहा डायनासोर का अंडा। गाइस सबसे ट्राई कर लिया, कैसा लगा तेरे को? कड़वा है भाई, बहुत कड़वा ही रहता भाई, बहुत ज्यादा कड़वा है गाइस, बहुत कड़वा है, बहुत ज्यादा कड़वा है, मात लगता है, वो देखो देखो चाची को देखो, अब छावा उतारी से नशा होता है। भाई बारिश हो गई गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम बारिश देखने को मिल रहा है, देखो देखो छावा चाची कैसे सो रहा है, देखना चुपचाप से देखना, इधर इधर देखो गाइस कैसे सो रहा है, ये देखो छोटे बच्चे की, छोटी बच्ची हो के ऐसे सो रहा है, देख रहे हो ना क्यूट लग रहा है ना, यार कसम से बिल्कुल बच्चा ही है, बच्चे जैसे सो रहा है ना। हाँ। क्या बना रहे हो छमा आज ब्रेकफास्ट में? आलू गोभी की सब्जी, रोटी, अच्छा रोटी बना रहे हो, तो गाइस यहाँ छमा बना रही है आज रोटी प्लस आलू गोभी की सब्जी। मम्मा गई है कहीं बाहर, और छमा कैसा रहा ओवरऑल आपका, कहाँ कहाँ गए आप? मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, सिर्फ कालिंपोंग, सिलीगुड़ी और पेंगोंग। अच्छा अच्छा, कहीं नहीं घूमी, वहाँ तो बहुत ठंडा होगा, ठंडा तो बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, वो ठंडा का वजह से कहीं घूमने के लिए नहीं गया हूँ मैं, घूमने जगह तो बहुत है, गई नहीं हूँ। अच्छा बहुत ज्यादा ठंडा है ना, तो गाइस हमारे होम टाउन में गई कालिंपोंग दार्जिलिंग सिलीगुड़ी सब जगह, तो ठंडा बहुत बता रही छमा। यहाँ पे अभी थोड़ा गर्मी स्टार्ट हो रही है, बट आज मौसम ठंडा है ना छमा, तो आज मौसम थोड़ा बढ़िया, अब ठंडा मौसम लेके आ गया लगा मुझे वहाँ से। तो गाइज़ ये लेके आए हम खाटू श्याम बाबा जी के यहाँ से, दर्शन करके भी आ गए हम, और थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोग कह रहे थे कि फागुन के महीने में खाटू श्याम जी के दर्शन करना बहुत अच्छा होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, और अगर आप लोग कह रहे हो तो अच्छा ही होगा, एंड थैंक यू सो मच गाइज़ जो आप इतने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग करते हो। और अभी जस्ट जिम से आए हो गाइज, और मम्मा आज गई हुई है रोशन भैया के साथ डॉक्टर के पास, शशु देखो ना छमा कैसे, बहुत बड़ा हो गया हमारा हीरो ना, नाखून लग जाएगा छमा, मत करो, नाखून निकाल रहा हूँ,
एक पांदा मत बिक रहे काट रहा देखो पंडो धुई इस बने को सासु नहीं करना है क्या मैं हुआ हमारी सब मम्मा आ गए गाइस मम्मा कैसा रहा हॉस्पिटल गए थे हॉस्पिटल बहुत अच्छा था हाँ बहुत अच्छा ट्रीट करा बहुत ही अच्छा था कहाँ गए थे ग्रेटर नोएडा कितना टाइम लगा यहाँ से पहुँचने बोलने नहीं आता इंस्टीट्यूट बोलने नहीं आता शारदा इंस्टीट्यूट वहाँ पे कहाँ से चेक करवा ली अपने कोई है जान पहचान वहाँ क्या बात है शारदा इंस्टीट्यूट से आ रही है आपको तो स्टूडेंट ही समझ रखा होगा उन लोगों ने सब नहीं स्टूडेंट बहुत अच्छा था सो गाइस ये आ गया मेरा बॉर्नविटा और काफी डार्क नजर आ रहा है और मम्मा जैसे बताया मैंने मम्मा आ चुकी है मम्मा कल कमेंट कैसा लगा आपको कमेंट ऐसा लगा कि क्या बताऊं देखो बच्चा पहनने रहा खाने में किसी लिए रोक टोक करना नहीं होता है हम इसलिए इस धरती में आए अच्छा पहने अच्छा खाए कपड़ा छोटा बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता दिल अच्छा होना चाहिए साफ होना चाहिए वही है कपड़े में कोई मायने नहीं रखा आजकल आप लड़की हो के लड़की को इतना मुझे मैं तो आपकी माँ के बराबर हूँ ना आपने मेरे साथ इतना गंदा कमेंट करा थैंक यू कोई नहीं आपका सोच वहीं तक का है थैंक यू बेटा जब आप दूसरे घर जाओगे आपको भी किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको कैसा लगता है वैसे मुझे बुरा लगा कोई बात नहीं बोलो कुछ नहीं होता बेटा कुछ नहीं आप मुझे हेट करते हो आप एक हेट करते मेरे को 50 मेरा बच्चे है वो मुझे पसंद करते हैं क्योंकि हो तो माँ मेरे तरह हो किसी तरह रोक टोक ना करे अपनी बेटी को हर कोई यही बोलते कि आंटी जैसे माँ होना चाहिए कभी रोक टोक नहीं करती मैं तो बहू को नहीं करती बेटी को नहीं करती हूँ दोनों एक सेम रखती हूँ बहू बेटी मेरे लिए दोनों बराबर है ना बेटी ऊँचा है ना बहू ऊँचा बराबर दोनों ने जो कपड़ा पहना जैसा रहना वो रहे बस मुझे उनको खुशी मेरा खुशी बस आप एक हेट कमेंट करके मेरा कुछ नहीं होने वाला बेटा थैंक यू आपका सोच बहुत अच्छा है आपको मम्मी ने ये सिखाया होगा तो गाइस ये रहा तो गाइज ये एक्चुअली क्या है मैंने अभी मैंने रिप्लाई कर दिया वैसे मैं वो मोस्टली रिप्लाई नहीं करता बट यहाँ पे बात मम्मा के ऊपर थी और मतलब कैसे कैसे लोग हैं बता मैं बता रहा हूँ ना एक लड़की होके इतने गंदे कमेंट कर सकती है तो अब ये उनकी भी गलती नहीं है वो सीखते कहाँ से वो सीखते अपने आसपास के सराउंडिंग से सीखते बाकी मैंने मम्मा को पढ़ के सुनाया बिकॉज मुझे भी थोड़ा बहुत लगा कि यार ऐसा मैसेज कौन लिखता है यार तो कोई नहीं आपने लिखा वो आपकी सोच है और वही आप अपने आसपास के लोगों से सीखते होंगे बट ये हम तो इन्जॉय कर रहे हैं और आप हमारे जो हमारे फैमिली इतनी बड़ी जो हमें पसंद करती है वो हमें पसंद करती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी हमें पता है जहाँ लाइक है जहाँ पसंद करने वाले लोग हैं वहाँ ना पसंद करने वाले लोग भी है ना तो यही है तो आप मुझे हेट करते कोई बात नहीं आपको सोच यही तब है मैंने आपको थैंक यू बोला था बेटा नहीं मम्मी ऐसे लोग भी होते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गाइस जो हमारी राय फैमिली है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो वैसे तो जो अपने पे बात आती है ना तो उनको बहुत बुरा लगता है कि उनको क्यों रोक रहे क्यों टोक रहे पर वो दूसरों के लिए कुछ भी गलत बोल देते हैं ये मैंने देखा नॉर्मली बट जैसे मम्मा ने कहा मम्मा ने बहुत अच्छी तरह बोल दिया बाकी समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है छोटे बच्चों के लिए बैलून का गुब्बारा काफ़ी है वही वाला तो मम्मा भी आज थोड़ा सा बिल्कुल रिलैक्स लग रही है हॉस्पिटल से आके चलो मम्मा फिर आप भी रेस्ट कर लेना रात को मिलो गुड मॉर्निंग गाइस कल भी व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया था क्या क्या डाला इसमें जीरा लहसुन हरी मिर्ची अच्छा ऐसे रायता बनता गाइस देखो ये ना भात के अभी चावल के साथ खाएंगे इसीलिए ऐसा बना रही लाइट भी रहता पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है ना दही ना देखो गाइस ये होता हमारे नेपाली गोरखालियों का दिमाग और यहाँ पे दाल तैयार है और मेरा आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है और वैसे भी दो दिन का मिला के मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ तो मुझे लगता है वीडियो और ब्लॉग को भी यही एंड करना चाहिए दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पर नए गए जाके जरूर बेल आइकन दबाइए मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ टाटा बाय बाय एंड सी इन माय नेक्स्ट वीडियो आई लव यू एंड बाय बाय We'll be right back.